सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर देना है एंड यहां से आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको एरो से समझा देता हूं आपको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको प्लस आइकन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे आपको यहां से क्लिक कर देना है। जोन से भी आपकी वीडियो है उस वीडियो को आपको ऐड कर देना है, जैसे कि ये वाली वीडियो हमारी देख सकते हो आप स्क्रीन पे। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पीड वाला ऑप्शन है उसको कुछ इस प्रकार हम इसको सेट कर देंगे। आप देख सकते हो जो इसका कर्व है कुछ इस प्रकार आप इसको सेट कर दोगे तो आपकी ये स्लो मोशन में तैयार हो जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ से देख सकते हो वीडियो का, आप स्टॉप करके आराम से देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार इसकी लेयर को ऊपर नीचे की तरफ करा है। और इतना होने के बाद इसको आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो इतना यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है स्लो मोशन का, तो आपका स्लो मोशन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो ऑप्शन में जाके यहाँ से आपको स्काई PNG दे दूंगा तो उसको आपको ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार मैं स्काई को यहाँ ऊपर की तरफ लगा देता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा। एंड इसके बाद आपको आगे की तरफ जाना है, जो यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ लेयर है इस पर क्लिक करके आपको मास्क वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर देना है। मास्क पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा लाइनर का, उस पर आपको क्लिक कर देना है और अगेन एक बार और क्लिक कर देना है इसके ऊपर आपको। तो कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की लेयर को आपको नीचे की तरफ इसको खींच देना है और कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो ये एरो दे रखा है इसको आपको ऊपर की तरफ खींच देना है तो ये फेड इफेक्ट में आ जाएगा। फेड इफेक्ट आने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। वीडियो का अच्छे से देखना है जब ये आपको समझ आएगा, दो तीन स्टेप है ये देख सकते हो कुछ इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है अगेन इसी गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपकी वीडियो अभी आपने ऐड करी थी पहले उस वाली वीडियो को अगेन ऐड कर देना है यहाँ पर। और यहाँ आपको फिल या फिट मिलेगा, आपको दोनों मिलेंगे कोई सा भी आपको एक को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो मैं दिखा देता हूँ, इस पर जैसे क्लिक करोगे फुल स्क्रीन आपकी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या चले जाना है यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन में क्रोमा मिल जाएगा आपको, इस क्रोमा पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और कुछ इस प्रकार जो ये आपको एक एरो मिल जाएगा तो इस एरो को आपको अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में सेट कर देना है। इसके बाद आपको जो नीचे मिलेंगे दो लाइन, दोनों लाइन को आपको देख लेना अपने हिसाब से, मैंने कुछ इस प्रकार रखा और देख सकते हो आप वन क्लिक के अंदर मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड हो गया है और स्काई यहाँ पर देख सकते हो ऐड हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल ये रील तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का जरूर प्रेस कर देना है। कुछ इस प्रकार ऊपर वाले शेयर आइकन पर जाके यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो।